गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड ये वीडियो है। बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी और सेकेंड ईयर की जूलॉजी इस समय एक्चुअली क्या सेम है, हो गया है एक पेपर आपका, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए मनुष्य में गुणसूत्र वृद्ध क्रमा लिया ऑटोसोमल एक्सेस क्रोमोसोम सिंड्रोम जो होता है, मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या या संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे कि कुछ डिजीज हो जाती है। इसके पहले वीडियो में मैं बताई थी कि गुणसूत्र की संरचना जो होती है, जैसे कि उनके आकार में उनकी संख्या का दोगुना हो जाना, उनका स्थानांतरण हो जाना, इनके कारण ये डिजीजें होती हैं, तो मनुष्य में गुणसूत्री वृत्तक्रमण कहलाता है। उसके बारे में आज मैं बता रही हूँ, ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम। देखिए जीन म्यूटेशन के कारण होता है, जो जीन में परिवर्तन होता है उसके कारण ये जो होता है क्रोमोसोम की संरचना में संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन के कारण ये सब होने के कारण क्या होता है कि रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए दो प्रकार के होते हैं, यूप्लाइड और यूप्लाइड। यूप्लाइड मतलब होता है जब एक सेट गुणसूत्र जो होता है, जैसे एक सेट मान लो एक्स एक्स, एक सेट गुणसूत्र जो होता है इसका क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, मतलब इनका गुणा हो जाए, ये क्या हो जाए, बहुगुणित हो जाए या इनकी संख्या बढ़ जाए, 3n 4n हो जाती है, तब यूप्लाइड होता है। यूप्लाइड का मतलब होता है जब गुणसूत्र की संख्या बढ़ती तो नहीं है, दुगुनी तो नहीं होती, पर अर्धसूत्र विभाजन के समय एक या एक से अधिक संजात गुणसूत्रों को अलग अलग हो जाते हैं। जिसमें यूनोप्लाइड में आपको याद रखना होगा कि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ नहीं रही है, पर अर्धसूत्र विभाजन में एक या एक से अधिक संजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ये समझ में आ गया। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपको पावन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी है, पर P2, P3 और P4 भी आपको पढ़ना है। P2 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, P3 में आपको सेल्फ मेंशिप है और P4 में आपको फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन। ये पेपर भी आपको पढ़ना है, इसलिए इसकी क्लासेस भी आप ज्वाइन करें। ओके, अब मैं कंटिन्यू आपको बता रही हूँ कि मनुष्य में गुणसूत्री वृत्तक्रमण के कारण जो रोग होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है जिसके कारण गुणसूत्र की संख्या और संरचना में जो परिवर्तन हुआ है उससे हम देखेंगे। तो सबसे पहले होगा, आप एक चीज़ और सुन लें कि सेकेंड ईयर के लिए है तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए आप इसके जो कुछ चीफ पॉइंट है उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, पहला रोग होता है डाउन सिंड्रोम। 1866 में डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगाया गया था, जिसका सीधा है आंसर ये है कि इसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मीन्स, और ये कहाँ पे अटैक करते हैं, 21वीं नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, तो 21 नंबर के क्रोमोसोम में 2 की जगह 3 हो जाते हैं, जिस जगह कारण इसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और डाउन सिंड्रोम जी चीज इसमें उत्पन्न होती है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, ये 700 में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है, ये मंगोलिक जाति में ये बीमारी होती है, इसे मंगोलिक डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो आंखें तिरछी हो जाती है, नाक चपटी रहती है, सिर बड़ा हो जाता है, जीभ खुदरी हो जाती है, जीभ मोटी दिखने लगती है, प्रजनन अंग विकसित नहीं होते, और मोस्टली 16 वर्ष की आयु तक में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, डाउन सिंड्रोम जो रोग जो होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है दूसरा, और ये जो अधिक एज में जो महिलाएं, अधिक 40 के बाद जो महिलाएं बच्चे उत्पन्न करती हैं, उनमें ये बीमारी उन बच्चों को होती है। दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 1938 में पता लगाया गया था, ये एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण, बिकॉज ऑफ फीमेल का रोग है, क्योंकि एक्स एक्स फीमेल में दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बस इसमें 46 की जगह 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये जो इसमें महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है कम जाता है, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है, महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, इनके स्तनों का आकार में वृद्धि नहीं होती, इनका शरीर में वृद्धि नहीं होती, लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होती है, और इनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी जो होता है वो नहीं पाया जाता टर्नर सिंड्रोम में। इसके बाद जो क्लाइंट फिल्ट्रेशन रोग जो होता है 1942 में पता लगाया गया था, ये एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, मीन्स की पुरुषों में, देखिए पुरुषों में जो एक्स 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 और एक वाई होता है, जिसमें दो एक्स और एक वाई हो जाता है, क्लाइंट फिल्ट्रेशन जो होता है, इसमें जो फीमेल जैसे लक्षण पुरुषों में आ जाते हैं, पुरुषों में जनन अंग नहीं अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है, और इसमें क्रोमोसोम जो 47 हो जाते हैं, इसे गाइंटी केमिस्ट्री रोग भी कहा जाता है। इसके बाद जो होता है वॉर बॉडी रोग, वॉर बॉडी रोग 1942 में बिल्लियों की मुख गुहा में स्लेनिका जो पाई जाती है, उसमें केंद्रक में एक गुच्छे के समान चिपका हुआ घना पिंड पाया जाता है, जो वॉर बॉडी कहलाता है, तथा ये बहुत ज़्यादा फ्लाइड होता है, और ये फीमेल जो होती हैं बिल्लियाँ उनमें पाया जाता है। इसके बाद एक एडवर्ड करके रोग होता है, एडवर्ड रोग जो होता है ये 18वें नंबर के क्रोमोसोम की संख्या में कमी के कारण ये रोग हो जाता है। तो मोस्टली मैंने आपको जो रोग बताए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेट फिल्ट्रेशन और बार बॉडी, ये तो अच्छे से आप पेपर में करो, और मैंने इनका सन भी बता दिया है, और इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेकंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका PDF मैं आपके